What's up guys, how are you? So आज की वीडियो है जॉब्स इन कैलगरी एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल इन कैलगरी, क्या स्कोप है क्या स्कोप नहीं है. सो आई एम गोना कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर यू गाइस एंड या विदाउट एनी डिले लेट्स बात करते हैं कैलगरी के बारे में. कैलगरी ऑयल एंड गैस के लिए बहुत ही फेमस है. सो अगर आपके पास कोई भी डिग्री, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड है तो आपको जॉब मिल जाएगी कैलगरी में. क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ ऑयल एंड गैस का जो कैलगरी है बहुत दिनों से स्लो चल रहा है, वहाँ पे उतना स्कोप नहीं है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल गेट द जॉब हियर. सो यू हैव टू बी पेशेंस. आई मीन लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप आए, आपने जॉब मिली और आप बस बहुत अमीर हो गए, ऐसे नहीं होता. तो अगर आप ऑयल इंडस्ट्री से हैं या गैस इंडस्ट्री से हैं, सो आई डू बिलीव कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरी जॉब पे बहुत से लोग आते हैं जिनसे मेरा बात होती है और वो बोलते हैं कि वो ऑयल एंड गैस फील्ड में हैं. सो इट्स स्टिल मेकिंग गुड मनी एंड सो या दैट्स योर फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड अगर बात करते हैं यहाँ पे कैलगरी में, तो एग्रीकल्चर बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कैलगरी के आस पड़ोस के एरियाज में बहुत से लोग एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, वो साउथ अफ्रीका से था, उसने एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ था. ही वॉज इन सस्कैचुआन फॉर लाइक 2-3 years एंड देन ही डिसाइडेड टू मूव डाउन हियर. सो अब वो यहाँ पे हैं कैलगरी के आस पड़ो, कैलगरी से थोड़ी ही दूर पे, आई गेस विद इन कैलगरी ही कह लो, 10-20 मिनट की राइड है. जैसे कि चेस्टमेयर करके एक जगह है, वहाँ पे ही इज़ डूइंग हिज एग्रीकल्चर थिंग and he's making good money. So that's your second option if you are from that field. अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लग रही है बॉस, तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि बहुत से लोग मेरी वीडियोज़ को देखें, जिससे कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ और जो मेरे अंदर का कीड़ा है ना लोगों को बताने का कि लाइक लोगों की हेल्प करने का, शायद इससे पूरा हो जाए. तो नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री की. अगर आपने कस्टमर सर्विस फील्ड से हो या मार्केटिंग की जॉब्स हैं, सेल्स की जॉब्स हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं. बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस की जॉब्स अवेलेबल हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब्स अवेलेबल हैं. अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड से, कि डिप्लोमा किया है, तो उस अगर आप उस फील्ड से हैं तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी, उसका कोई इश्यू नहीं है मोस्टली. अब बात करते हैं ऐसी जॉब की जो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ पे कर सकता हूँ. तो ट्रैकिंग की, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि वो ट्रैकिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर ट्रैकिंग की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं. बॉस यहाँ पे बहुत ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने सुना था कि लोग मतलब थोड़ा सा स्लो हो गया था इधर को, पर अभी इतना पीक पे है, लोग अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लोग इतनी जॉब्स हैं ट्रैकिंग में. तो अगर आपके पास क्लास 2 या क्लास 1 का लाइसेंस है, जॉब्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी. आप बसेस चला सकते हो यहाँ पे, तो प्राइवेट कंपनी है वो बसेस की, जो स्कूल बसेस होती हैं उसमें आप एज ए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. अगर आपको पार्ट टाइम करनी है, फुल टाइम करनी है, तो आप सिटी में भी ट्रक चला सकते हो. US के लिए लंबे राउट्स पे भी जा सकते हो, प्रोविंस टू प्रोविंस से भी आपको ट्रैकिंग के ऑप्शंस हैं, राउट्स के ऑप्शंस हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल. अगर आपको, आई मीन ट्रक बिजनेस में हम सबको ही पता है, हम इतने दिन बाहर रहते हैं, इतने दिन घर पर रहते हैं, तो अगर आप उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हैं, देन या यू गोना मेक मोर मनी एंड इट्स अ गुड फील्ड. मैं वो सब बातें नहीं करूँगा कि अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आपने डेंटिस्ट का कोर्स किया हुआ है और मतलब, क्योंकि वो ऐसी फील्ड्स हैं आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी कनाडा में. किसी भी प्रोविंस में जाओगे जो मतलब ढंग के प्रोविंसेस हैं, अगर वहाँ पे जाओगे तो फिर चाहे कैलगरी हो, वैंकूवर हो, टोरंटो हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी. इसमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं टोरंटो मूव हुआ और मैंने डेंटिस्ट का कोर्स किया हुआ है तो वहाँ पर क्या स्कोप है. स्कोप है बॉस, बहुत अच्छा स्कोप है. वैंकूवर में बहुत अच्छा स्कोप है, कैलगरी में बहुत अच्छा स्कोप है. फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा स्कोप है कैलगरी में, जिन लोगों ने फार्मासिस्ट का कोर्स किया हुआ है. अगर मेडिकल फील्ड से हैं, जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है इंडिया में, डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी तरीके का मेडिकल फील्ड से, और अगर वो जो सोच रहे हैं कि कैलगरी आके यहाँ पे इन्हांस कर लें डिप्लोमा को, यू नो कंटिन्यूइंग स्टडीज़ के थ्रू, तो अगर वो कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले लेते हैं या थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं आपको जॉब मिलने के मेडिकल फील्ड में. फिर बात करते हैं हेल्थ केयर की. यहाँ पे हेल्थ केयर की बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं. अगर आप हेल्थ केयर फील्ड से हैं तो आपके जॉब्स के लिए
बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज, आई मीन अभी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहा है डॉक्टर्स को लेके और अल्बर्टा गवर्नमेंट को लेके, बट अदर देन दैट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज AHS करके हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक वो खुद में ही ऑर्गेनाइजेशन है बट लाइक उसके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग सिटी ऑफ कैलगरी में बहुत सी जॉब्स निकलती हैं। वैंकूवर में मैंने उतनी सिटी ऑफ वैंकूवर की जॉब नहीं देखी जितनी मैंने कैलगरी में इटसेल्फ देखी है, कि लोगों को सिटी ऑफ कैलगरी की जॉब आसानी से अवेलेबल है, फिर वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की हो, अगर आप बिजनेस रिलेटेड हैं या फिर आपने ऑफिस का डिप्लोमा कर रखा हुआ है तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तीसरा, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो लोग पूछते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है इंडिया से, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ तो क्या ऑप्शंस हैं। अच्छे ऑप्शन है बॉस, आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, इंजीनियरिंग खुद में एक बहुत अच्छा कोर्स है। इंडिया में लोग इतने ज़्यादा तादाद में हैं कि वहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो उसकी उतनी कदर नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आपने अच्छी तरीके से अच्छे कॉलेज से और इंजीनियरिंग में कमांड हासिल है आपको, देन बॉस मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो वैंकूवर हो, कैलगरी हो या टोरंटो हो, आपको जॉब मिल जाएगी। कैलगरी में फ़ायदा ये है कि आपको जॉब मिल जाएगी और यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कम हैं, और प्रोविंस के मुकाबले में तो योर लाइफ इज़ गोना बी बेटर मैन। अगर हम पार्ट टाइम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो स्किप द डिशेज, डोरडैश, ऊबर सब कुछ अवेलेबल है, आप पार्ट टाइम चला सकते हो ऊबर और स्किप द डिशेज कर सकते हो, डोरडैश फूड डिलीवरीज कर सकते हो, कस्टमर सर्विस फूड इंडस्ट्री में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि मेरा जो मानना है बॉस, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो प्लीज़ मेन फोकस आप पढ़ाई पे रखो, जिससे कि आप उस जॉब को अपने आप को उस जॉब से रिलेट कर सको जब आप पढ़ाई अपनी पूरी करो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग आते हैं और वो जॉब्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उनको पैसे कमाना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, पढ़ाई करना कम अच्छा लगने लगता है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे कि इवन मेरे साथ में और मैं खुद को एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मुझे पैसे कमाना ज़्यादा अच्छा लगता था, पढ़ाई करना उतना अच्छा नहीं लगता था। तो लॉन्ग रन की अगर सोचें तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नॉलेज एक कमांड होना किसी फील्ड पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू थिंक कि अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज़ डू दैट, पैसे तो लाइफ टाइम आते ही रहेंगे, वो तो कमाने ही कमाने हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स में रेस्टोरेंट हैं, टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड, A&W, लाइक स्मॉल स्मॉल चेन रेस्टोरेंट की चेन्स हैं, बिजनेसेस भी कर बहुत से लोग ऑप्शन हैं कि बिजनेस भी डाल सकते हैं अगर वो किसी फूड चेन की वो लेना चाहते हैं, पर बिजनेस में अभी जैसा कोविड चल रहा है तो थोड़ा रिस्क है, आप अपने पैसे फंसाना नहीं चाहोगे क्योंकि आप बिजनेस ले लिया और फिर चला नहीं, क्योंकि बहुत से स्मॉल बिजनेसेस जो फैमिली ओन बिजनेस थे वो वैंकूवर में, टोरंटो में, कैलगरी में लोगों ने बंद कर दिए, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कौन मतलब एक्सपेंस बेयर कर सकता है। तो बिजनेस के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगा, स्पेशली इफ़ यू थिंकिंग अबाउट फूड इंडस्ट्री। हाँ, और अगर कोई टेक्निकल बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं आप तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज विद टाइम बिजनेस कोई वो नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल बस चल गया और वो हो गया, बिजनेस टेक्स टाइम। बट हाँ, बिजनेस अच्छा है तो बहुत अच्छा चलेगा, टेक्निकल फील्ड, आई मीन लाइक कोई अपना ट्रैकिंग का बिजनेस डालना चाहता है उस तरीके की फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो या आई गेस जॉब्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT से रिलेटेड भी जॉब्स हैं, मैंने उतनी जॉब्स नहीं देखी हैं कैलगरी में IT से रिलेटेड, बट या जॉब्स अवेलेबल हैं अगर आप उस फील्ड से IT रिलेटेड फील्ड से हैं तो हाँ आप एक ऑप्शन रख सकते हैं कैलगरी में। क्योंकि आप कनाडा में आके कहीं पे भी जाओगे ना, आप ट्राई करोगे पहले कि आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, पर अगर आप उस जॉब में, आपको उस प्रोविंस में या उस शहर में जॉब नहीं मिल पा रही है, देन देर इज़ नो यूज़। आपको छोटे शहर में एक IT की जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पर ज़्यादा खुश रह सकते हो, ना कि बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर में एक लो लेवल की IT की जॉब कर रहे हो और कम पैसे कमा रहे हो। तो IT वालों के लिए मेरा यही कहना है कि जॉब्स अवेलेबल हैं, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब ढूंढने में। वंस यू गेट द जॉब एंड यू परफॉर्म गुड, आई मीन लाइक स्काई इज द लिमिट मैन, आई विल टेल यू। सो या, और अगर मैं जॉब कोई मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। बट अगर मेरे को उस फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आई वुड रादर से नो, कि मैं, क्योंकि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों से बात करी है, जिन लोगों के टच में मैं आता हूँ उनसे बात करी है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप गूगल पे जाओगे ना तो गूगल पे आपको जॉब्स, एक गूगल पे जाके ना एक
जनरल आइडिया मिल जाता है कि हाँ बॉस ये जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं। फिर जब अप्लाई करना शुरू करते तो आपको पता लगता है यार तो जॉब ही मिलनी मिल रही है, वहाँ पे लिखते बहुत हैं। तो मैं गूगल नहीं, मैं आई मीन लाइक गूगल सब फॉलो करते हैं, गूगल से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो लेता ही है इंसान, पर जो ये मेरा वीडियो है ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से है जो मैंने लोगों से बात करके पता किया है और जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं इन्वॉल्व जिस फील्ड में। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ subscribe and hit the like because that motivates me and motivate me to make more videos for you guys. So yeah, till the next time guys, you guys take care, peace out.